हमने अब हमारे गिफ्ट सडन गेटिंग मैं अपने साथ हमेशा तो मेरा बर्थडे आ रहा है हैप्पी बर्थडे टू मी बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे मेरा बर्थडे आ रहा है। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मुझे देख के तो पता ही चल गया होगा आपको कि मेरा बर्थडे आने वाला है एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। सो अभी तक मैंने अपने बर्थडे के लिए कोई आउटफिट या ड्रेस कुछ चूज नहीं किया या खरीदा भी नहीं है। मतलब नए कपड़े तो बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, पर यार बर्थडे है कुछ स्पेशल खरीदना पड़ेगा ना, तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या खरीदना है। ड्रेस खरीदना है, टी शर्ट पैंट क्या खरीदना है मुझे खुद नहीं पता। पर मैंने सोचा क्यों ना चलते हैं मार्केट, चलते हैं देखते हैं जो सबसे ज़्यादा पसंद आएगा और बर्थडे के लिए सूटेबल लगेगा उसी को खरीद लेंगे। सो हमारा क्या क्या बोलना था मुझे, हाँ सो अभी चलते हैं। Bye Snowy, take care of the house, I love you. हाँ तो जाओ ना। So we have officially left our house. Now we are going down. अरे वाह देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइटिंग आ रही है। So now we are going down. और मैं अपने बर्थडे के लिए एक शॉर्ट्स पे सीरीज भी डाल रही हूँ एंड आई एम अनबॉक्सिंग द गिफ्ट्स दैट आई एम गेटिंग डेली बिफोर माई बर्थडे। सो डू गो एंड चेक दैट आउट, द लिंक इज हियर एंड इट्स जस्ट अ रियली फन एंड कूल एंड फनी सीरीज। सो अभी चलते हैं, हम पहुँच गए नीचे। हमेशा एक पानी की बोतल रखती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे बाहर का पानी अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखती हूँ। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, तो पहली शॉप में हमने कपड़े ट्राई करे, इसमें तो मैं एयर होस्टेस जैसी लग रही थी, इसका गला थोड़ा बड़ा था। पर फिर मैंने और कपड़े भी ट्राई करे, इसके बाद जो आएगा पिंक वाला वो मुझे अच्छा लगा, पर इनमें से कोई भी आई थिंक बर्थडे के लिए इतना सूटेबल नहीं लगा मम्मा को और मुझे। यहाँ के कपड़े एक्चुअली ज़्यादा मेरे ऊपर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो हमने सोचा दूसरी शॉप पर चलते हैं। पर मैंने यहाँ से एक चीज़ तो खरीद ही ली थी और ये है दूसरी शॉप। मैंने यहाँ से भी एक दो बार ड्रेसेस ली है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है सबसे अच्छी मुझे लग रही है दोनों ब्लैक ड्रेस, और उसमें से अब समझ नहीं आ रहा कौन सी चूज़ करूँ। दिखते हैं, अभी भूख भी लग रही है। तो कन्फ्यूजन तो चल ही रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था ड्रेस कौन सी ले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको, मतलब मैंने जितनी भी ड्रेसेस दिखाई उसमें से कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लग रही है। और अगर इस वीडियो पे 20K से ज़्यादा व्यूज़ आ गए ना तो मैं एक शॉपिंग चैलेंज बनाऊँगी। एनीवेज मैंने टॉप पहना था, शॉर्ट्स पहना था और चप्पल पहनी थी। प्रो टिप, शॉपिंग के टाइम पे चप्पल पहनो, चेंज करने में बहुत इजी हो जाता है और कंफर्टेबल भी होना चाहिए ताकि चलो तो पैर दर्द ना हो। सो एज आई सेड भूख लग रही थी, तो लोखंडवाला में एक शॉप है जहाँ से हम रोल्स खाते हैं ब्रेड क्राफ्ट करके, तो हम शॉपिंग करते ही वहाँ पर चले गए थे क्योंकि हमें रोल्स खाने का मन कर रहा था। Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. So अभी हमने हमारे रोल्स पार्सल करा लिए हैं, ऑटो में बैठ के आराम से खाएंगे। अभी मैंने अपना रोल खा लिया, पर मैंने थोड़ा सा बचा के क्योंकि रोल बहुत बड़ा था, कभी घर जाके खाऊंगी। आप सबने भी देख ही लिया होगा कि आज के व्लॉग में मैं कितनी खुश थी। जब बर्थडे आता है ना तो मतलब अपने आप ही खुशी हो जाती है, साल में एक बार बर्थडे आता है, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ जब भी बर्थडे पास आ जाता है।
तो आई नो आप लोग भी हो जाते होंगे, और ये है हमारे मुंबई का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैफिक। ग्रीन लाइट है फिर भी हम धीरे धीरे चल रहे थे, बट पहुंच गए घर। तो नाउ हम घर आ गए हैं, बस और नहीं आना। घर आ गए हम, आज ज्यादा टाइम नहीं लगा ना, कितना 1 घंटे से पहले आ गए थे शायद। 1 घंटा अप्रोक्सीमेटली लग गया। मैंने अपना रोल बजाया था थोड़ा सा, घर जाके इंजॉय करूंगी करके। इसमें मेरा रोल है प्लास्टिक कवर, 1 सेकंड में दिखाती हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट रोल है, मैं जब भी जाती हूँ यही लेती हूँ, पेरी पेरी पनीर। सो ड्रेस का मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। पहली शॉप जिस पे हम गए थे वहाँ पे कपड़े अच्छे थे, कोरियन टाइप के भी थे, बट मोस्टली आई थिंक बड़े लोगों के हिसाब से बहुत अच्छे थे, मेरे हिसाब से लाइक दूसरी शॉप पे जो गई उस शॉप में तो मैं हमेशा जाती हूँ और मुझे कपड़े पसंद ही पसंद आते हैं, तो मैंने ले ली बर्थडे ड्रेस। पर मैं उसको अभी रिवील नहीं करूंगी, मैं अपने बर्थडे पे ही रिवील करूंगी आप सबसे। और साथ में मैंने एक ओवरसाइज्ड शर्ट भी ले ली, क्योंकि बड़ी प्यारी लग रही थी पहन के वो। तो दैट्स इट, हमको 2-3 सामान और भी लेना था पर थोड़ा लेट हो गया तो लिया नहीं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करी, फिर भी बहुत टाइम लग गया। पहली शॉप में एक्चुअली ज़्यादा टाइम लग गया था हमें, बट कोई बात नहीं, मेरी बर्थडे ड्रेस आ गई है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज यार मेरी भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट व्हेन यू गाइस आल्सो शो सो मच लव टुवर्ड्स मी। सो यार शेयर कर दो, लाइक कर दो, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। सो अभी मैं खाती हूँ अपना ये रोल, चेंज करती हूँ फिर सो जाती हूँ। बट एनीवेज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल, बाय। अच्छा इंट्रो भी करते हैं।